मौसम की मार के साथ साथ रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर अब आपके किचन पर भी दिखने लगा है। क्या आपने सोचा था कि एक साल पहले जिस आटे की कीमत 25 से 27 रुपए थी, आज उसकी कीमत 36 रुपए तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि एक साल पहले खुदरा बाजार में गेहूं की औसत कीमत 2600 से 3600 रुपए थी, जो बढ़कर 2800 से 5000 प्रति क्विंटल हो गई है। आपके घर के आटे का बजट कुछ इसी तरीके से बिगड़ रहा है। आटे की कीमत में पिछले एक साल में 400 से 500 रुपए तक इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के युद्ध शुरू होने के महीने भर बाद पीएम मोदी ने गेहूं निर्यातकों से वैश्विक बाजार का फायदा उठाने की अपील की थी। नतीजा ये हुआ कि गेहूं का निर्यात भी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर होने लगा। इस साल सरकारी खरीद कम हुई क्योंकि प्राइवेट व्यापारियों ने एमएसपी से ज्यादा दामों पर गेहूं खरीदा है। नतीजा यह हुआ कि बाजार में घरेलू खरीद के लिए गेहूं कम मिला। अब सिर्फ गेहूं ही नहीं, गेहूं से बनने वाले हर उत्पाद जैसे ब्रेड, बेकरी के दामों में 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी। आटे के भाव में भी तेजी से इसी वजह से देखी गई है। आपको बता दें कि गेहूं के आयात और निर्यात की स्थिति से निपटने के लिए बहुत ही बेहतर रणनीति है। अब सिर्फ गेहूं ही नहीं, गेहूं से बनने वाला हर उत्पाद जैसे ब्रेड, बेकरी के दामों में 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो गई है। आटे के भाव में भी तेजी इसी वजह से देखी गई है। मंडी के स्टॉक में जितना गेहूं पहले हुआ करता था, उस मुकाबले अब गेहूं थोड़ा कम है। एक वजह तो पैदावार की कमी है, जिसके कारण सरकार खरीदी पर असर पड़ा है कल्याण गेहूं की एमएसपी रेट 2015 रुपए है। फिलहाल सरकार गेहूं नहीं खरीद रही है। आटे के दाम में बढ़ोतरी के अहम वजह रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ साथ मौसम की मार भी है। सरकार को निर्यात को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। गेहूं के आयात और निर्यात की स्थिति से निपटने के लिए बेहतर रणनीति की जरूरत है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर हम विदेशी बाजारों में गेहूं का निर्यात करते हैं तो घरेलू बाजार में कमी होना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।